अमृतसर दे विच एक अजीबो गरीब मामला देखने को मिलिया है जिथे 6-7 महीने पहला हुई लव मैरिज तो बाद पति पत्नी दे विच अनबन होनी शुरू हो गई। दोवां वल्लों एक दूजे दे उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे ने। जानकारी दे मुताबक जदों दोवें पति पत्नी दरबार साहिब मत्था टेकन आउंदे ने तां बाद दे विच सरां विच रुकदे ने जिथे दोनां दे विच लड़ाई झगड़ा हो जांदा है। इस नूं देखदे हुए गुरुद्वारा साहिब प्रबंधकां दे वल्लों नजदीक गलियारा चौंकी नूं सूचित कीता जांदा है। दोवां नूं पुलिस चौंकी लिजा के पुलिस दे वल्लों उन्हां तों पुछ पड़ताल कीती जांदी है, जिस तों बाद लड़की नूं उसदे परिवारक मैंबरां दे नाल तोड़ दिता जांदा है। जिक्रयोग है कि लड़की दा कहना है कि उस नूं आइलेट्स करवाई जाएगी, अजिहा कह के उसदे नाल विआह करवाया गया है, जबकि दूजे पासे लड़के दा कहना है कि लड़की उस नूं विआह करवाउण दे लई मजबूर कर रही सी। अमृतसर तों अज दी आवाज़ दे लई हरदेव प्रिंस दी रिपोर्ट। की नाम जी? अमन। कित्थों रहण वाले? मुंडा पिंड तों। की मामला सारा जी अज इत्थे थाणे आए? मामला इदा है ना कि मैनू मतलब इन्हों ने दिसंबर मंथ के जो आइलेट्स कर इतने आई से उस टाइम तो इन्होंने मतलब मैनू कहता भी तुम आइलेट्स कर लो, क्योंकि ये जो बाहर गए थे ना फॉरन कंट्री, 2-3 कंट्री चो गए, हांगकॉन्ग मलेशिया वगैरह, उतो सारी जगह तो मतलब रेस्टिकेट होकर आए उतो, तो इन्हें कहा कि इन्होंने फिर मेरा सहारा लिया कि आइलेट्स करके तो मेरे सारे बाहर चल जाएंगे, पर वो गल नहीं बनी क्योंकि हूँ ना तो मतलब मैनू बाहर भेज रहे ना ही मेरी क्लासिस लगवाई आ, तो उस तो बाद चलो इन्हों ने घर रख के चो हूँ इन्हों की फैमिली की प्लैनिंग बनी कि बाहर तो भेजना नहीं है, घर ही रख के तो इन्हों को मतलब बच्चे लेने आ, तो चलो बेबी इन्होंने करवाता, चलो प्रैगनेंट करता। उस तो बाद 6 महीने के डॉक्टर ने कहा कि मतलब थोड़ी बॉडी की हैल्थ वगैरह काफ़ी वीक हो, तो इस करके मीनस थोड़ी जो केस है 7 महीने हो जाएगा, तो इन आप ही मैंने मेडिसिन वगैरह देंदे से, आप ही ट्रीटमेंट कराते, तो डॉक्टर ने कहा भी कि मतलब तू काफ़ी मतलब इदा अवेयर रहना पेगा, पहला केस हो सकता है इसे, तो वह वीर जी फिर पहला ही सारा कुछ हो गया, मीनस अबॉर्शन हो गया, इन्होंने आप ही मेडिसिन दी थी। December 29 हुई सी। नहीं मतलब एक मतलब इदा कॉन्ट्रैक्ट वाला काम से इन्हों का बाहर जाने वास्ते सारा कुछ। हाँ जी हाँ जी, जबरदस्ती फिर घर लै गए, भी जो कहते जे तुम मेरे मैरिज ना कराई तो मैं कुछ खा के मर जाऊँ इदा उदा, तो मैंने आइलेट सेंटर मीनस मेरी क्लास का टाइमिंग होंगे 9 to 5 का, तो उदन मैंने 10 उतों लैके आ गए थे, जबरदस्ती फिर मैरिज करा के, तो नाल मतलब इन्हें चलो सिस्टर भी नाल, जीजा जी जो हांगकॉन्ग रेंदे आ जिन्हें अंडर मतलब भी चलते हैं, तो उन्होंने भी नाल ही हाथ है। अच्छ इदा हो चलो मतलब कि हूँ इन्ना सारा कुछ होने तो बाद मतलब मैं फैमिली काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो जो भी कॉल करते हैं तो फैमिली को कहते हैं मैं मरवा दूंगा, मम्मा मिलन आते हैं, मामा जी नाल आते, तो उन्होंने धमकियां देंगे, साढ़े पिंड तो एक मतलब हरदीप करके कोई है गुआढ़ी पैंता, तो वो सारी घर की खबर दिता है भी अजे घर है नहीं है, तो कहते भी जे तुम किसी भी चीज़ की लड़ पी हथियार की या मुंडिया की, तो कहता मैं तेजे पिछे भेजूंगा डॉक्टर हरदीप सिंह। हाँ जी, मैनू भी खतरा, मेरी फैमिली में भी खतरा है, क्योंकि इतने रेंदे ना तो मैं फैमिली में मिलन देंगे, तो ना ही मतलब गल कर देंगे, जो फोन पर गल करते तो हमेशा अपने कोल बैठ के फोन स्पीकर पर रख दें, मंग यही करते कि मैनू भी खतरा, मेरी फैमिली में खतरा है, तो मैं इन्होंने नहीं रहना चाहती, मैं अपनी फैमिली को रहना है, नहीं मैं मम्मी पापा को रहना है अपने। हाँ जी, ये रखना चाहते, इन्हों का कहना यही है कि बस मतलब अगर फिर बेबी वगैरह तो बाहर इन्हें भेजना नहीं है, तो जो भी है मतलब इन्हों की अपनी अलग ही प्लैनिंग है, कुछ फैमिली अकॉर्डिंग चलते हैं। भाई साजन सिंह, मामला भाजी पहला अपनी हुई लव मैरिज 29 दिसंबर को, कुड़ी ने आपू बयान दिते माँ प्यो पहला मैं कहती भी मैं कुछ कर लेना वा जे तू मैनू घरों ना खड़ेगा, तो कहती भी मैं कुछ कर लेना, तो मैं फिर भी इन्हें कुड़ी की जबान दिते भाई मैं ते जिदा भी मेरे ना 1500 शेयर चैट से मेरे ना बंदा वाग पिया, एक कुड़ी ने उन्होंने बयान दिते हुए आ सारिया के मैं इन्दे ना जाना इन्दे ना विआह करवाना वा, ठीक है जी। उदू बाद ने कोर्ट मेरे कोर्ट मैरिज हो गई है मेरी, कोर्ट मैरिज हो गए, चलो इन्होंने माँ प्यो ने बाद कहें भी अं आ जन्ने भरा आंदा तो माँ आँधी आए आ नाल पिंड परिवार आए, तो कहें भी आप विआह कर दें, इन्होंने गुरु का बाग अपना विआह करता वा, ठीक है। अपने कोर्ट का सर्टिफिकेट भी हैगा ही, तो कोर्ट दूजा भी हैगा दु गुरद्वारे साहब दोवे का हैगा जोड़ा माँ प्यो भी करके गए, तो विआह में 7 महीने भाजी हुए आ, घर मेरे बेटी हुई ही एक 7 महीने 6 महीने जिन्हें केस खराब होया वा, केस खराब होने 3 दिन पहला घर आते जाते रहे, मैनू नहीं पता मेरे बच्चे की रिपोर्ट जिदा भी हैगी मैं DNA करवा अपना हूँ, क्योंकि पहला मैं यकीन नहीं है, मैं कहना भी चल कोर ना आते जाते मैनू नहीं पता इन्होंने बच्चे की दिता होगा की नहीं दिता होगा, मैं बच्चे अपने की रिपोर्ट जी DNA करवा सकता वा, ठीक है जी। तो जो भी इंसाफ होना चाहिए वा, हूँ कुड़ी अपने माँ प्यो ना मुकरन की मैं आँदे ना जाना, ठीक है, मैं जो दसिया वा सच दसिया, क्योंकि जिदा भी है मैं इत अपनी शेयर चैट के उत्ते जिन्हें भी है, ठीक है भाजी, कोई सबूत दे देन कुटमार की, ठीक है, जे अज तक जबरदस्ती हो कोई भी सबूत दे दे मैनू,
ठीक है भी जो कोई आके गवाही दे दे जां कोई सबूत दे दे वीडियो बना के दे दे कुछ भी दस दे भी मैं आ गलबात इन्हें की है मुंडे ने ठीक है। ये दो दिन हो गए आ कहिंदी भी अपनी बेटी पूरी हुई आ ते आप हरिमंदर साहब चल के सेवा करते हैं। चलो गुरु महाराज वल ध्यान जाता वा तो रिश्तेदार घर आते हैं तो आप उधर ध्यान दे लें तो मैनू नहीं पता मेरे मोबाइल के उत्तों जो भी अपने माँ प्यो नूं सद्दी रही आ ठीक है। माँ प्यो पहला एक दिन आए ही घर तो मैनू कहिंदे ही भी कुड़ी खड़नी मैं कहा चलो कुड़ी लै जाओ मैं भी आ जांदा तुहाडे घर भी 7 महीने हो गए आ मैनू कहिंदे भी तू इत्थे नहीं वड़ना चाहीदा ठीक है। तो इहदे प्यो नूं नहीं पता कुड़ी दे नूं ठीक है हजे तो साडी पिंड दे विच जितनी रहिंदी तो मैं कहा भी कुड़ी इदां नहीं जान देनी फिर भी कुड़ी जिदा भी आ मैं भी जे मैनू वड़न दोगे तो मैं कुड़ी जान देनी आ तो बस यही गलबात हुई आ। उदू बाद हुण भाजी इन्हां कुड़ी ने बयान बदलते आ ठीक है आपां इंसाफ मिले जो भी कुड़ी है नागपुर का जे ना भेजन जो भी आ कोर्ट केस मैं करदा वा मेरे बच्चे की DNA रिपोर्ट आनी चाहिए मेरे सहुरा परिवार वालों जो भी हैगी आ मैं अपना बच्चा पता करवा के जिदा भी DNA रिपोर्ट करवाना वा इंसाफ मिलना चाहिए मैनू। मामला भी जी लड़की ने अमनदीप कौर ने ना अपने लड़के ना लव मैरिज कराई थी पहला तो इन्हें कितने कल आए दरबार साहब इतने मत्था टेकने तो इन्हें अनबन हो गई जी तो इन्हें फोन किया जी कंट्रोल रूम से भी तो बाद लड़की का बयान हासिल किया कहने कहा मेरा आदमी जरा मैं कुटदा मारदा तो मैं वह नहीं जाना तो फिर ये लड़की के माँ प्यो बुला के तो उन्होंने लड़की के हवाले करती जाती मैं अपने माँ प्यो ने जाना उन्होंने हवाले करती जाती।